कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत कोतवाली सर्किट के 3 थाना क्षेत्र कोतवाली, राजघाट और तिवारीपुर में लगाए गए लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बुधवार को राजघाट क्षेत्र में पैदल गश्त किया और व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल की। इस दौरान SSP ने लोगों को आगाह किया कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, सुरक्षित घरों में रहकर कोरोना महामारी से बचा जा सकता है, इसलिए घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घरों में रहें। वजह पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने घरों में रहें, बेवजह न घूमें। बेवजह पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाथों को बार बार धोते रहे, मास्क लगाए। मंडी है, गोदाम है, बहुत बढ़ के रही है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है शुरू में, इसीलिए लॉकडाउन करना पड़ा है। भैया गलियों में बहुत ज्यादा ले जाओ मोटरसाइकिल। कार भी चली जा रही है, मास्क लगाइए, मास्क। कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इस वजह से आपके यहाँ एरिया में लॉकडाउन देना पड़ा है। आपके डबल कर दो यहीं पे। हाँ, किसी को डबल कर दो यहीं पे। हाँ, बोर्ड को बीच में रख दो, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल स्टोर वाले के। मेडिकल स्टोर बोर्ड लगवा देना। आइए जाइए। आपको पता ही है, कोरोना का केस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सर्किल कोतवाली में इस समय बहुत दर्जनों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और तकरीबन 15 के आसपास हॉटस्पॉट थे, तो शासन के निर्देशानुरूप जो है हॉटस्पॉट्स के इर्द गिर्द फिर इसको पूरी तरह से क्वारंटाइन करने के लिए इस 3 थाना क्षेत्रों में जो है लॉकडाउन दिया गया है संडे तक का। उसी का जायजा लेने के लिए आज हम लोग सड़कों पर हैं और लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि कोरोना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उससे कैसे बचें। और भीड़ भाड़ रोकने के लिए लॉकडाउन दिया गया है, लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि इसको केवल मास्क के प्रयोग से, उचित दूरी के प्रयोग से और हाथ बार बार धोकर सैनिटाइज करके ही रोका जा सकता है। उन सब का कानूनी रूप से कार्रवाई करा के उनका चालान किया जा रहा है और नियमित तौर पर 100 से 150 FIR दर्ज हो रही हैं और लोगों को लगना चाहिए बाद में FIR कष्टकारी होती है।